लोकल रास्ता में बैरियर लगा के रखे हैं ये लोग, देख लीजिए, और झूठ मूठ का मीटर भी लगा के रखे हैं ये लोग। ओके ना, कार्ड दिखाने दीजिए, कार्ड से। हाँ, अरे आईडी कार्ड कैसे ले लेगा तू? अरे उसको बुलाओ इधर। नहीं है। क्या चीज का छूट नहीं है? ये किसका रोड है? ये रोड किसका है? किसका? सरकार। सरकार का रोड है। सरकार इस पे टोल लगाया है? सरकार टोल लगाया है? लगाया है टोल। दो कागज दो इस रोड का। कौन सा एनएच है ये? कौन सा एनएच है ये? एनएच कौन सा है ये? हाँ, हाईवे से आ रहे हैं। हाईवे से 1 किलोमीटर पे उतर जाऊंगा मैं तो तुम कितना पैसा लोगे? टोल पार करके अगर 1 किलोमीटर पे मैं उतर गया तो तुम कितना पैसा लोगे, तुम बताओ? नहीं, मतलब गांव तक जा रहे हैं। हाँ, गांव तक जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 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 हम कहीं जा रहे हैं, हम नितिन गडकरी से मिलने जा रहे हैं। तुम बताओ, अगर हाईवे से सिर्फ टोल मैं क्रॉस किया तो तुम कितना पैसा लोगे? तुम्हारा 120 रुपया है तो पूरा लोगे? तो हाईवे से मैं उतर जा रहा हूँ तो तुम कैसे पैसा ले सकते हो? तुम लोग धंधा बनाए हो यहाँ पे, बंद करना पड़ेगा ये बंद करना पड़ेगा। ये अगर एक्सप्रेस हाईवे होता, नेशनल हाईवे होता तो तुम पैसा लेते तो समझ में आता। ये रोड कैसे बंद कर दिए तुम लोग? हिम्मत कैसे हुआ? किसके कहने पर रोड बंद किए तुम लोग? कैसे बंद कर दिए ये रोड? ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये बिहार है और बिहार में देखिए क्या होता है। ये हाईवे है, ये हाईवे आ रहा है जो आसाम से लेकर और पोरबंदर तक जाता है, यानी मोदी जी के गाँव तक जाता है। और ये देखिए, हाईवे के बगल वाला रास्ता है, हम लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं और ये लोग बंद करके रखे हैं ये। और ये बाकायदा ड्रेस भी पहने हैं ये लोग, जो है ना, ये ड्रेस भी पहने हैं। और इन लोगों के पास ये मशीन भी है जो अवैध रूप से रखा गया। रुके, 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 रुके। अवैध रूप से मत दीजिए, घुस दे रहे हैं। ये घुस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कैसे पार करिएगा? कैसे पार कर जाइएगा 20 रुपए में? कैसे पार कीजिएगा आप? घुस दे रहे हैं कि ये लोग जबरदस्ती ले रहे हैं? आप बताइए, सही बताइएगा। यही पास के गाड़ी है गाड़ी, इसीलिए 20 में पार हो जाता है ये। 20 में पार हो जाता है? चलिए पार होइए, 20 रुपए दीजिए, 20 रुपए पार होइए। 20 रुपए लो बाबू, लो घुस लो। नहीं क्या, 20 रुपए की पर्ची कटती है? हाँ, तो पर्ची काटो 120 रुपए का। हाँ, रोड नंबर हाईवे नंबर लिख के काटना। ये हाईवे ये कितना नंबर रोड है? ये कितना नंबर है? पर्ची निकालेंगे ना। 120 का कैसे कटेगा? 240 का कटेगा ना, इसमें तो टोल नहीं है। अभी तो 20 रुपए में तुम जाने दे रहे थे, 20 रुपए में कैसे जाने देंगे? ये देखिए नितिन गडकरी जी, आप एक्सप्रेस हाईवे पे हवाई जहाज उतार रहे हैं और ये बिहार में हवाई जहाज नहीं उतारने दे रहे लोग, ये लोग घोटाला कर रहे हैं। ये रोड नंबर कौन सा है? ये कौन से रोड के लिए तुम पैसा ले रहे हो, ये बताओ ना भैया जी। देखिए टैक्स वसूल। अरे कौन सा रोड का? ये जंगल में चलेंगे तो इसका टैक्स लोगे तुम? ये कौन सा रोड है? ये कौन सा फोर लेन है, ये बताओ तो, इसका क्यों लोगे? आ जाइए, नहीं देना है, 1 रुपया घुस नहीं देना है, इस रोड पे टैक्स नहीं लगता। बराबर आप 20 रुपए दे के यहाँ से पार होते ना जी। सर है ना, सर बात करा देते। अरे 1 रुपया घुस नहीं देना आपको, घुस क्यों दीजिएगा? बिहारी क्या है ना? नहीं, निकलिए निकलिए, बैरियर खोलो, खोलो बैरियर, खोलो बैरियर, बैरियर खोलो, जल्दी खोलो ना, नहीं तो थाना होना, सब बुलाएंगे हम लोग। क्या मैनेजर साहब से 20 रुपया लेके मैनेजर साहब से बात करते हो तुम? क्या 20 रुपया लेके मैनेजर साहब से बात करते हो? अभी 20 रुपया ले रहे थे तुम, अभी 20 रुपया ले रहे थे तुम, 20 रुपये कौन ले रहा है? अभी ले रहे थे तुम? यहाँ पे कहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है? यहाँ पे सीसीटीवी दिखाओ, जहाँ भी टोल होता है वहाँ पे सीसीटीवी लगा रहता, कहाँ लगा है? कहाँ लगा है बताओ? फोन करो, तुम टोल पे फोन करो, पहले टोल पे फोन करो, फोन करो टोल पे, बुलाइए थाना को, बोलिए फोन कीजिए डीएम को। अरे वो प्रेस वाले, लोकल रास्ता पे तुम रास्ता बंद कर दोगे, एम्बुलेंस आएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, यहाँ जाने दे रहे हैं, ये लीजिए। हाँ हेलो, हाँ सर नमस्कार, क्या हेलो, हाँ सर हम लोग अभी रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं और गांव में जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने, जो पूरा एरिया डूबा हुआ है और आपके गांव वाले रोड पे बैरियर लगा के ये लोग खड़े हैं। ये लोग एनएचआई का, ये देखिए
काटिए, इनसे नहीं बात करेंगे। अच्छा कितना दे रहे हैं सर? 20 रुपया। 20 रुपया में ये लोग जाने देते हैं ना? 30 रुपया में जाने देते हैं ना? क्या आ जाने देते हैं? 30 रुपए में जान देते हैं लोग निकलते हैं ना? 30 रुपए हम भी, हाँ देखिए सब कोई निकलते हैं 30 में। ठीक है निकलिए, पैसा मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, इस रोड का टैक्स नहीं लगता है। और ज्यादा इधर होगा ना तो डीएम को कंप्लेन लिख के दीजिएगा, इस रोड का कोई टैक्स नहीं लगता है, ये हमारे टैक्स का पैसा का बना है। आपने जो गाड़ी का टैक्स दिया ना उसका पैसा, इस पर क्यों घुस दीजिएगा आप? नहीं नहीं लेंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान इतना बड़ा प्रेस है, पेपर है, और उससे ये लोग घूस ले रहे हैं। अब बताइए प्रेसे वाला जब घूस देगा, हिंदुस्तान प्रेस से हैं आप लोग, 1 रुपया नहीं देना इस रास्ते में। इस रास्ते में चलना है जब 4 लेन नहीं है और नेशनल हाईवे नहीं है तो बाकी किसी भी रोड पे टैक्स नहीं लगता है, टोल टैक्स नहीं लगता है। उसका ऑलरेडी गाड़ी पे आप टैक्स दे दिए हैं, चलिए जाइए जाइए। इसका कहानी क्या है इस मशीन का? इस मशीन से कटता नहीं है। हाँ। आपके आने तक में 4-5 गाड़ी आ गया, सब कोई 20-30 रुपए निकाल रहा है। हाँ। यहाँ फिक्स है। हाँ। 30 रुपया दीजिए और इसको पार कर जाइए। हाँ। हाँ। मगर ये मशीन दिया गया है, अगर आप सवाल कीजिएगा तो कहा जाएगा कि 120 रुपया चार्ज है, 120 रुपए के हिसाब से देना आपको। हाँ। इसका यही कहानी है इस मशीन का। ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है ठीक है। चलिए भविष्य बर्बाद कीजिए आप अपना खुद का भी, बिहार का भी और बिहार के लोगों का भी। आप किससे पता है आप हम बिहार से ही लूट रहे हैं? आज आप हमसे लूट रहे हैं, कल थाना में जाइएगा आप लुटाइएगा, कलेक्ट्रेट में जाइएगा, DTO में लाइसेंस बनवाने जाइएगा आप लुटाइएगा, कितना गुस्सा आता है आप लोग बताइए। इस रास्ते पे टैक्स लगना चाहिए, किस हिसाब से टैक्स लगना चाहिए, कौन से हिसाब से ये नेशनल हाईवे है बताइए। और मेरा घर अगर बगल में है, मैं जा रहा हूँ तो मेरे से क्या सर्टिफिकेट लीजिएगा बताइए? जाति प्रमाण पत्र, आय निवास आवास क्या लीजिएगा? और गलती आपकी नहीं है बाबू, आपको तो रखा गया, मोहरा बनाया गया, गलती ये दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच के टोल के जो अधिकारी है ना उनकी है, उन्होंने ही दिया है ना ये मशीन, क्या आपने खरीदा है? नहीं, किसने दिया? आज दिन भर में कितना इसे काटे हैं सही बताइए ईमानदारी से? अभी तो हमने ड्यूटी पे आए हैं, एक भी नहीं काटे हों, क्योंकि मुझे पता है मैं इस रास्ते से जाता हूँ। अरे ये लोग सब लोग कर रहे हैं दरभंगा के है सब, इसे एक भी नहीं कटता है, ये सिर्फ दिखाने के ये लोग है। मुझे बताए कि मनीष जी चलिए 20 रुपया में नितिन गडकरी के नेशनल हाईवे का कमाल दिखाता हूँ कि 20 रुपया में कैसे लोग ये जबरदस्ती पैसा लेते हैं। आप गाँव के गरीब को लूट रहे हैं बताइए, ऐसा होता है क्या बताइए? बोलिए ना बताइए, ऐसा होता है क्या? हम लोग भी यहीं के हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग विदेश के हैं। और देखिए ये हमारे भाई हैं, बिहार के ही हैं, बेरोजगार हैं तो टोल पे इनको नौकरी मिला है, इनकी गलती नहीं है। ये छोटे मुर्गी हैं, छोटे मछली हैं, बड़े मछलियों को पकड़ना पड़ेगा, वो दोषी है। देखिए इनका पसीना आ रहा है, समझे ना? तो ये चीजें है, ऐसा मत कीजिए प्लीज, बिहार को बर्बाद मत कीजिए लोग। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक और रात के 1-1 बजे 2-2 बजे 3-3 बजे बिहार के लिए लड़ रहे हैं। मान लीजिए बाहर से कोई आएगा और इस रास्ते से जाएगा और जब इस रास्ते पे भी 20 रुपया घूस दे के जाएगा, बिहार का क्या छवि लेके जाएगा? वो छवि खराब मत कीजिए। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, दरभंगा टोल के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पहले सस्पेंड कीजिए, वो लोग भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है दरभंगा टोल को। एक बगल से जो रास्ता है गांव से होकर गुजरता है उस पे जो है ना 20-20 रुपया लेके छोड़ते हैं। इसमें थाना पुलिस भी मिली, और इसमें यहाँ का अगर थाना पुलिस का नहीं मिली भगत है तो पहले दरभंगा टोल के जितने भी अधिकारी हैं उनको टांग के लेके जाइए और जांच हो। यही दरभंगा में ना एक इंजीनियर पकड़े गए थे अभी कुछ दिन पहले, यहीं पे ना। हाँ। जो बोले थे कि मुंह खोलूंगा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। हाँ। तो हिलाइए लोग मुंह खोल के, लेकिन कम से कम बिहार को भ्रष्टाचार हेट मत चढ़ाइए लोग। हाथ जोड़कर विनती है, बड़ी मुश्किल से बिहारी लोग कमाते हैं 2 रुपया और वो भी घूस दे देते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, सही है कि नहीं? यहाँ पे कित जाता है सर? यहाँ तो इस लोग का तो कोई अथी है नहीं, सब नहीं, टोल प्लाजा का कितना रुपया? 20 रुपया ना जी, जिसका जो होता है देता है, ना भी देता है, गांव घर का जो रहता है ना गांव घर तो ऐसे भी नहीं देगा। चाचा तो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए कि नहीं चाचा? ये चीज है बाबू, बंद होना चाहिए कि ना भ्रष्टाचार? तुम बताओ क्या बंद होना? तुमको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, होना चाहिए ना। और देखिए टोल है, चूंकि टोल वाले लोग जो है लोकल गुंडा भी रखते हैं, अब पता नहीं हम लोग आगे जाएंगे तो लोकल गुंडा हमें पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, अब देखते हैं हम लोग भी।
और हम लोग भी बिहारे के हैं ना, यहाँ के हैं। आ जावना गांव में जाएंगे तो जावना गांव में चार गो हम लोगों के भी समर्थक हैं, क्योंकि हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं। और इस जगह का क्या नाम है? बेरुआ। अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। चलिए,